तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अविनाश मिश्रा और आपको वेलकम करता हूं अपने इस गार्डनिंग यूट्यूब चैनल वाओ गार्डनिंग्स पर। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक बहुत ही नए तरीके के प्लांट्स के बारे में, जो अभी तक मैंने अपनी वीडियोस पे आपके साथ शेयर नहीं किया है और आप लोग की काफ़ी डिमांड्स आ रही थी। तो मैं आपको ये प्लांट्स की आज केयर बताने वाला हूं, क्योंकि ये ऐसा प्लांट है जो आपको कॉमनली हर जगह दिख जाता है आसानी से। तो दोस्तों, ये प्लांट है ओलिएंडर प्लांट्स, यानी कि कनेर का प्लांट्स। तो दोस्तों, सबसे पहली बात आपको मैं ये बता दूं कि ये जो प्लांट होता है दोस्तों, ये बहुत ही सुंदर दिखने वाला प्लांट, आउटडोर प्लांट होता है। ये ज़्यादातर लोग इसे अपने घर के आजू बाजू लगाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा एक लुक देता है। ये प्लांट जो होता है दोस्तों, ये केयर करने में, अगर आप अच्छी तरीके से इसे केयर करेंगे तो आपके जो घर के बाहर है 10 से 12 फुट तक अच्छे तरीके से चला जाएगा, वो भी ग्राउंड में। आप पॉट में भी लगा सकते हो इसे, पर अभी मैं बाद में आऊँगा उस बात पे। पर आप अगर इसे पॉट में लगाओगे और उसमें ग्राउंड पे लगाओगे तो ज़्यादा फर्क देखने को मिलेगा, पॉट पे इतने अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं करेगा। पर हाँ दोस्तों, ये लग जाएगा, जैसा आप देख पा रहे होंगे ये मेरे जो है पॉट पे ही लगा हुआ है और ये अच्छी तरीके से फ्लावरिंग भी कर रहा है। इस प्लांट की अनेकों वैरायटियां आती हैं, जिसमें से अलग अलग कलर जैसे कि ऑरेंज, येलो, वाइट, पिंक जैसे भी कलर देखने को मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आप जो भी कलर चाहो वो लगा सकते हो दोस्तों। ये जो प्लांट्स होता है, ये काफ़ी सारे के शेप में भी आने लगा है आजकल, नए नए वैरायटीज़ आने लगी हैं, तो आप नर्सरी वगैरह पर आसानी से जाके से पता कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ये एक परमानेंट प्लांट है, यानी पेरेनियल प्लांट है। तो ये एक ऐसा प्लांट होता है जो आपके साल भर फ्लावरिंग करता है, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसे प्लांट ज़्यादा पसंद होते हैं जिसमें ज़्यादातर की फ्लावरिंग्स आए, हमेशा वो फ्लावरिंग देता रहे। तो दोस्तों, आपके लिए बहुत अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है, अगर आप इस प्लांट को लगाएंगे तो आपको हमेशा ये फ्लावरिंग से देता रहेगा। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन लोग इस प्लांट की सॉइल की, कि अगर आप इस प्लांट को लगा रहे हो अपने पॉट पर तो आप इसको कैसी सॉइल रखनी है। तो दोस्तों, आपको मैं बता देता हूँ, ये जो प्लांट होता है सभी तरीके की सॉइल में आसानी से लग जाता है। अगर आप इसे ग्राउंड पे लगाएंगे तो वो बात अलग होती है, वैसे ही हर तरह की सॉइल पे लग जाते हैं, क्योंकि ग्राउंड के हिसाब से सॉइल जानते ही होंगे कि आप चेंज नहीं कर सकते उसे, जैसी ही वैसी ही रहेगी। हाँ, आप उसमें थोड़ा सा अलग से ऊपर से थोड़ा सा खड्डा बनाने के बाद उसमें आप अलग से थोड़ा सा सैंड ऐड कर सकते हो, तो वो एक अलग बात है। पर अगर आप उसमें पॉट पे लगा रहे हो तो आप किसी भी तरीके की सॉइल पे आप लगा सकते हो, बस उसमें थोड़ा सा आपको सैंड ऐड कर देनी है, जिससे वो थोड़ा सा पोरस हो जाए, उसका ड्रेनेज अच्छा बना रहे। तो दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हार्डली प्लांट है, ये किसी भी तरह के हर कंडीशन में सर्वाइव कर लेता है अच्छी तरीके से, तो बहुत ज़्यादा इसे प्रॉब्लम नहीं आती है। फिर भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अच्छी तरीके से इसका ड्रेनेज सिस्टम बना रहे। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी लाइटिंग कंडीशन की। तो अगर आप इसे ग्राउंड पर लगा रहे हैं तो आप इसे ऐसी जगह पर लगाइए जहाँ इसे फुल सनलाइट मिलती हो। अगर आप पॉट में लगा रहे हैं तो फिर भी आप फुल सनलाइट वाली जगह पर ही लगाएं, क्योंकि इससे क्या होता है कि इसकी फ्लावरिंग बहुत अच्छी आती है, ग्रोथ भी अच्छी होगी इसकी। क्योंकि ये जो ये प्लांट होता है वार्म क्लाइमेट में रहना पसंद ज़्यादा करता है, क्योंकि इसको अगर गर्मी नहीं मिलेगी तो ये अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं करेगा और अच्छी तरीके से फ्लावरिंग नहीं लाएगा। इसलिए आपको इसको ऐसी जगह पे लगाना है, अच्छे से ध्यान रखना है कि इसमें फुल डे की सनलाइट इसको मिलती रहे। तो अपने पास रख के एक्सपीरियंस किया है कि जब रेनी सीज़न आता है तो इसमें काफ़ी अच्छी तरीके से फ्लावरिंग होती है और ये काफ़ी अच्छा एक प्लांट बन जाता है, क्योंकि इसमें पूरी तरह से ये कवर कर लेता है पूरे प्लांट को अपनी लीव्स के थ्रू और फ्लावर्स के थ्रू, तो ये बहुत ही अच्छा देखने के लिए लगता है। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात कर लेते हैं फर्टिलाइजेशन की। तो दोस्तों, ये बात फर्टिलाइजेशन की रिक्वायरमेंट इस प्लांट को बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बट अगर आप चाहो तो इसमें समय समय पे आप थोड़ा सा गोबर खाद या आपके पास जो भी तरीके की कंपोस्ट अवेलेबल हो, वर्मी कंपोस्ट, लीव कंपोस्ट, आप जो भी बनाते हो मार्केट से मिल जाती है, तो आप उसमें ये मिलाकर दे सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा सरसों की खली, वो जो मैंने आपको बताई थी, उसको आप थोड़ा सा फॉर्मेंट करके 10-15 दिन रख के फिर आप उसे लिक्विडली बना के भी डाल सकते हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छा आपके प्लांट्स के लिए रहेगा। तो आप ऐसा करके इसमें डाल सकते हो। अगर आप केमिकली फर्टिलाइज़र के ऑप्शन में जाते हो तो आप वो भी डाल सकते हो, वह भी मैंने आपको बताया है कि आप कौन कौन से केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट्स पर जाके कमेंट करके आप पूछ सकते हो, मैं आपको वहाँ पर उसका जवाब दे दूँगा। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसकी वाटरिंग की। तो दोस्तों, इसमें आपको ध्यान रखना है कि ओवर वाटरिंग ना हो, क्योंकि ओवर वाटरिंग से आप जानते हैं कि हर पेड़ को थोड़ा सा
प्रॉब्लम जाती ही जाती है, क्योंकि उसमें जो रूट्स होती हैं उसकी वो गलने चालू हो जाती हैं, प्लांट्स फिर अच्छे तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ओवर वाटरिंग ना हो, उतनी ही आपको रिक्वायरमेंट, जितनी प्लांट की रिक्वायरमेंट उतने आपको पानी डालना है। अब जैसे गर्मियों का टाइम चल रहा है अब दोस्तों, तो उसमें अच्छी तरीके से फ्लावरिंग आ रही है और इसको पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत हो रही है, तो आपको अब दो टाइम भी पानी अगर आप डालोगे तो ठीक रहेगा। पर जैसे कि आप बरसात के टाइम में और ठंडियों के टाइम में इतना जल्दी से पानी सूख नहीं पाता है प्लांट्स का, तो आपको इस बात का उधर ध्यान रखना है। पर अभी गर्मियों के टाइम में जैसा है तो आपको प्लांट्स में अपने दोनों टाइम पानी डालना है, क्योंकि प्लांट्स को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस प्लांट की सबसे इम्पोर्टेंट बात, प्रूनिंग की। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि ये जो प्लांट्स होता है ना, तो इसमें ना प्रूनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि ये इतनी जल्दी से ग्रोथ करता है दोस्तों, इतनी जल्दी से बढ़ता रहता है। देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि मैंने अभी इसकी थोड़ा सा कहीं से कटिंग की भी थी। देखिए यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पास मैंने एक कटिंग किया हुआ है, ये यहाँ पास ये हिस्सा आप देख पा रहे हो, ये वाला हिस्सा देखिए कटिंग किया मैंने, यहाँ पर एक हिस्सा मैंने कट किया था और यहाँ पर भी काफ़ी सारी जगह मैंने इसको प्रून किया है ताकि इसमें अच्छे तरीके से फ्लावरिंग आए। तो अब इसमें अच्छी तरीके से फ्लावरिंग आने भी चालू हो गई है, क्योंकि आप जब थोड़ा सा प्रून नहीं करेंगे ना, तो ये प्लांट की एक ऐसी टेंडेंसी होती है कि पतली पतली से अपनी ऐसी ना ब्रांच बढ़ाता रहता है, तो ऐसे स्टेम निकालता रहता है अपनी, तो उस कारण से थोड़ा ही क्या था फ्लावरिंग कम कर देता है और अपनी सारी जो पावर है ग्रोथ पर लगा देता है। तो आपको इसको टाइम टू टाइम थोड़ा सा प्रून भी करते रहना है, जिससे इसकी जो ओवरऑल ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी तरीके से चलती रहे। तो आपको इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो दोस्तों अब इसकी मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो प्लांट होता है दोस्तों, ये ऐसा प्लांट है कि थोड़ा सा ये पॉइजनस प्लांट होता है, क्योंकि इसमें आप देखोगे, आप जब भी इसको प्रून करोगे, आप इसके फ्लावर्स तोड़ते टाइम या लीव तोड़ते टाइम आपको देखने को मिलेगा कि एक ऐसा इसमें लिक्विड सा निकल के आता है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें एक ऐसा मिल्क सा लिक्विड निकलता है, ये देखिए आप यहाँ पर शायद देख पा रहे होंगे, ये देखिए आपको दिख रहा है, ये यहाँ पास एक ऐसा लिक्विड है, उसकी लीव्स देखिए यहाँ से लिक्विड सही निकल के आ रही है, देखिए मेरे फिंगर पे मैंने लगाया। तो आपको इससे बिल्कुल बच के रहना है, क्योंकि ये थोड़ा सा पॉइजनस हो सकता है। जैसे आपके घर पे कोई पेट्स वगैरह हैं या छोटे बच्चे हैं, तो उनसे थोड़ा सा इसको दूर रखिए, क्योंकि उससे इसे रैशेज वगैरह हो सकते हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको इस प्रॉब्लम से बचने के लिए थोड़ा सा आप इससे दूरी बना के रखिए बच्चों से और अपने पेट वगैरह से, तो आप काफ़ी अच्छी तरीके से आपके घर पर ये लग पाएगा और इससे किसी भी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप इस बात का बिल्कुल विशेष ध्यान रखिएगा। और दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्रोपेगेशन की। तो देखिए दोस्तों, आप इसे दो तरीके से प्रोपेगेट कर सकते हैं। फर्स्ट तो आप जानते हैं कि इसे सीड्स के थ्रू, इसके जो सीड्स होते हैं ऐसे बड़े बड़े से सीड्स आते हैं राउंड राउंड, वो जब ड्राई हो जाएं तो आप उसे लगा सकते हैं, वो काफ़ी अच्छी तरह के लग जाता है। और दूसरी बात दोस्तों, ये जब रेनी सीज़न होता है ना, उस टाइम ये कटिंग से बहुत अच्छा ग्रोथ करता है। तो अगर आप चाहो कि आपको कटिंग से लगाना है, अलग अलग कलर से लगाना है, तो आप वो भी लगा सकते हो, कटिंग से भी बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोपेगेट हो जाता है। और अगर आपको अलग अलग कलर्स चाहिए, आपको बहुत शौक होता है प्लांट्स का अलग अलग मेरी तरह, तो आप जाके नर्सरी से भी डायरेक्ट परचेज कर सकते हो, तो वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। पर प्रोपेगेशन के दोस्तों इसके दो ही ऑप्शन है। तो दोस्तों बस मेरी यही वीडियोस थी आपके साथ कनेर प्लांट की। आई होप दोस्तों आपको मेरी वीडियोस बहुत अच्छी लगी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसी गार्डनिंग से रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूं। तो दोस्तों मैं मिलता हूं आपको एक अलग वीडियोस पर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गुड बाय।